पहले 2.5 रुपया यानी बी में 10 रुपये का 4 आवर हेड 4 आवर्स अप्लाई हो गया सी पे। अब बी का जो कॉस्ट है वो क्या है, 34 एंड 42 है। तो 34 एंड 42 कितना होता है, मॉडल ए 21 और 15। तो 21 और 15 में कितने का डिफरेंस होता है, 6 रुपए का है। बी में 42 और 34 है, बी में 42 और 34 है, 8 रुपए का डिफरेंस है। और सी पे है बी 2 रुपए पर आवर और 3 रुपए पर आवर, तो 6 कंट्रीब्यूशन। अच्छा, मैंने इधर में किससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड करना था, सॉरी। ये एक छोटा सा ये डिवाइडर जो होगा वो ये होगा, सो दिस विल बी लाइक दिस। अब यानी ये रैंक 1 हो जाएगा, ये रैंक 2 हो जाएगा, और ये रैंक 3 जो है रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले ए को प्रोड्यूस करूँगा, तो ए पूरा का पूरा 5000 प्रोड्यूस हो जाएगा। ए प्रोड्यूस होगा पूरा का पूरा 5000, एंड 5000 जब प्रोड्यूस होगा तो ये कितना यूनिट्स कंज्यूम कर लेगा जी, 10,000 यूनिट, तो 18,000 बचेगा। अब बी का जो प्रोडक्शन है, बी में चाहिए उसको, बी में हर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 4 चाहिए। तो अगर 4 चाहिए होगा, इसका मतलब ये है कि दिस डिवाइड बाई 4 यानी कि 4500 उसको प्रोड्यूस करेगा, तब जाके पूरा उसका इनपुट एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा मशीन आवर एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल आपको एग्जाम में करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर ये आएगा, जो पहला वाला आंसर है आई बिलीव, ये दूसरा वाला है, शुड प्रोड्यूस 5000 यूनिट ऑफ ए, 4500 यूनिट ऑफ बी, द आंसर विल बी बी। इसका आंसर आएगा जी बी, क्योंकि इसको मशीन आवर से डिवाइड करना था, मैंने रेट से डिवाइड कर दिया था, बाई मिस्टेक। ठीक है, तो ये वो सवाल थे। दूसरा और एक आपका सवाल था, सर ये जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं, एक्चुअल में थोड़ी प्रैक्टिस की चीजें हैं, तो सर, जो लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चन पूछने की, उसमें कंफ्यूज वो होता है कि नहीं, एग्जैक्ट लेकिन क्या होगा। ये एग्जैक्टली क्या है, ये रिसोर्सेज स्मूथनिंग का सवाल है, यानी आपके पास पैसे कम है, आपके पास इनपुट्स कम है, आपके पास रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अब आपको ऐसे अप्लाई करना है ताकि आप मैक्सिमम रिजल्ट्स उससे गेन कर सकें। अब बोला है दी कॉल, दी ओनर ऑफ कॉल ऑप्शन वांट टू नो। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, द ओनर ऑफ कॉल ऑप्शन का मतलब होता है जो बंदा पैसे जो कॉल करता है ना, उस बंदे का क्या होता है, उसके पास होता है राइट टू बाई। जो बंदा कॉल करता है उसके पास जो ऑप्शन होता है उसको हम बोलते हैं जी राइट टू बाई बोलते हैं, क्लियर। तो जब उसके पास राइट टू बाई होगा यानी फ्यूचर में वो बाई करेगा। अच्छा, बाई करने के लिए रीजन क्या होता है, वो ऐसा ऑप्शन क्यों रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि भाई हमको फ्यूचर में हम अपने आप को सेव कर सके, यानी हम अपना जो है फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारे लिए हम अभी एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं ताकि हम फ्यूचर में अपना सामान को बाई कर सके लोअर प्राइस पे, इसीलिए वो एक कॉल ऑप्शन बाई करके रखता है। ठीक है, चलिए। तो बोलता है द कॉलर वांट टू नो द रिस्पेक्टिव इफेक्ट्स ऑन द कॉल प्राइस फॉर अ डिक्रीज इन स्टॉक रिटर्न वोलेटिलिटी एंड डिक्रीज इन टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। द रिस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ द कॉल प्राइस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, द ओनर वॉन्ट टू नो द रिस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन द कॉल प्राइस ऑफ अ डिक्रीज इन स्टॉक रिटर्न। अगर वोलेटिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, वोलेटिलिटी डिक्रीज मतलब स्टॉक रिटर्न वोलेटिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, एंड द डिक्रीज इन टाइम ऑफ एक्सपायरेशन,
तो इसमें क्या चल रहा है, डिक्रीज इन स्टॉक रिटर्न वॉलेटिलिटी डिक्रीज द रिस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन द कॉल प्राइस में क्या होगा। अगर डिक्रीज इन रिटर्न इन वॉलेटिलिटी होगा तो शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है तो कॉल का प्राइस बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन टाइम ऑफ एक्सपायरेशन अगर कम हो जाएगा तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने कहीं पर आंसर देखा है तो बताएं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी हाँ जी सर, मेरे को याद तो नहीं है बट मैं वो देख रही हूँ, ग्लैम वाला सॉफ्टवेयर खोल के देख रही हूँ, उसमें ऐसा दिखता है। एक बार देखे ना, कोई याद नहीं आंसर। मेरे को आंसर बी है। हाँ जी, now why we doing this questions after all the questions done, there is an option to print or save with all the answers will be there so that we can refer later. No, but ye glim mein nahi hai. I don't know glim. No, this is the tip for casual. This is Wiley. This is glim, GLEIM, glim. Glim mat mare nahi hai. Ah, to fir glim ka hame bhi nahi malum hai, क्योंकि हमने फिजिकल कॉपी सब देखी है ग्लेम की। अच्छा, ये मिल जाएगा, वैसे क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे मुश्किल क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट करते हैं तो पूरा अच्छा है। आंसर के साथ होने से थोड़ा इजी है, रिवीजन टाइम में वो अच्छा हो जाएगा। अभी क्या है, मैं एक रीजनिंग दिएगा तो जो मेरे समझ में आया है मैं एक रीजनिंग देगा, पढ़ लेगा तो एक बार थोड़ा, उससे क्या होता है क्लोज रीजनिंग हो जाती है, फिर मसला नहीं होता। एनी हाउ जस्ट वन मिनट, आई थिंक आई कैन गेट दिस। नहीं, सर डी आंसर है। डी आंसर है, उसका रीजनिंग भेज सकती है क्या, मैं देख लूं। डिक्रीज बिल पहले वाले का बी था, पहले वाले का बी मैंने भी बताया आपको जी। हाँ सर, नहीं वो कंफर्म कर दिया। हाँ 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 सॉरी, ठीक है। डिक्रीज इन प्राइस विल कॉज द डिक्रीज, दस बोथ अफेक्ट द डिक्रीज। ए नहीं भाई, ये वाला इतना छोटा रीजनिंग नहीं चलेगा भाई, ठीक है। थोड़ा लेट मी चेक, कोई प्रॉपर रीजनिंग मिलती है देन आई कैन एक्सप्लेन इट। मेरे को दियो, मैं इसको चेक करता हूँ। सो आज इस चैप्टर का जो सबसे न्यूमेरिकल पार्ट है वो होने वाला है, जिसमें आपको थोड़ा सा आधा एक घंटा में एक्स्ट्रा ले रुके खत्म कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का किसी को डिफिनेशन अगर याद है तो मेरे को बताए। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी, तो वर्किंग कैपिटल का डिफिनेशन है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है जी। और करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग का मतलब ये होता है कि कंपनी जो अपने करंट ऑब्लिगेशंस को और मेंटेन करंट ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए जो पैसे रखते हैं, ठीक है। इट इज लाइक अ इमीडिएट लिक्विडिटी, हाउ मच द कैश फॉर्म हैज टू इंडिकेट टू सस्टेन एंड बिल्ड इन द बिजनेस डिपेंड फॉर्म लेवल ऑफ द करंट लाइबिलिटीज एंड द नंबर मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसके कुछ अप्रोच होते हैं, इसके तीन लेवल्स में कैटेगरीज होती है। तो पहली जो पॉलिसीज होती है कोई भी वर्किंग कैपिटल रखने की, जो पहली पॉलिसी होती है, पहले पॉलिसीज को बोलते हैं जी अग्रेसिव। अग्रेसिव में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे करंट रेशियो कम होता है,
ठीक है, करंट रेशियो कम होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे करंट एसेट जो होता है वो हमेशा लेस देन करंट लाइबिलिटीज होता है। मान लो करंट करंट एसेट जो है वो आपका 100 का है, करंट लाइबिलिटी 120 का है, तो इस टाइप के लेवल्स को हम लोग बोलते हैं जी अग्रेसिव। ठीक है, पॉलिसी होल्ड्स दैट द करंट एसेट शुड बी लेस देन द करंट लाइबिलिटी। दूसरा होता है कंजर्वेटिव, में क्या होता है मच हायर होता है, यानी आपके पास अपने एसेट जो होते हैं वो 120 होते हैं और लाइबिलिटी जो होती है वो 180 होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी करंट रेशियोज होती है वो क्या होती है जी प्लस होती है, ज्यादा होती है, ऊपर होती है। मॉडरेट या मैचिंग जो होते हैं जिसमें क्या होता है आप बैलेंस बना के चलते हैं। ठीक है, आप अपने नीड के हिसाब से अपनी चीजें चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्या चेक करते हैं, यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द फाइनेंसिंग को मैच करते हैं मैच्योरिटी ऑफ द एसेट्स, यानी एक एसेट की अगर एक साल की यूजफुल लाइफ है तो आप उसके साथ में जो लाइबिलिटी जनरेट कर क्रिएट करते हैं वो भी एक साल तक रखेंगे। तो ये सारी उसकी पॉलिसीज है, कैश वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की पॉलिसीज हो सकती है। तो पहले क्या होती है अग्रेसिव, कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट। ठीक है जी, उसके बाद क्या होती है जी कि हमें वर्किंग कैपिटल प्रोग्राम से क्या पता चलता है, तो बोलता है जी कैश मैनेजमेंट में आपको मदद मिलता है, इनफ्लोज आउटफ्लो जो हम लोग कैश बजट बनाते हैं, साथ में रिसीवेबल को मैनेज करने में, सिक्योरिटी जो मार्केटेबल जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग्स कोई पोर्टफोलियो में पैसे लगाना, ये आपको हेल्प करता है। आइए जी थोड़ी सी एक सिंपल सी बात होती है कि आपने कोई ऑपरेटिंग साइकिल्स सुनी होगी। ऑपरेटिंग साइकिल्स जो होता है जिसको हम बोलते हैं जी नंबर ऑफ डेज इन्वेंटरी इन हैंड प्लस द रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, तो इसको बोलते हैं जी ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कितना दिन हमारे हाथ में इन्वेंटरी रही है और कितना दिन हमारा एआर के पास पैसा लगा रहा, दोनों को जब ऐड करते हैं तो दैट बिकम द ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है जी, तो इसके बाद ये होते हैं, दूसरे जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैश साइकिल, कैश कन्वर्जेशन। तो ऑपरेटिंग साइकिल जो बनेगा उसमें से आप एपी यानी जितना आप पैसा होल्ड करके रखिएगा उसको माइनस कर दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसकी बात की जाए ऑपरेटिंग साइकिल की, तो मान लीजिए कि आपके हाथ में इन्वेंटरी आपको होल्ड करना पड़ता है 80 डेज और आपका एआर पैसे नहीं देता आपको 20 डेज, इसका मतलब ये 100 डेज का हो गया। तो ये जब 100 डेज होगा दिट 100 डेज इज कंसीडर टू बी द ऑपरेटिंग साइकिल। बट कैश साइकिल का मतलब क्या हुआ कि आपने पीछे से एपी का जब पैसा रोक लिया, तो एपी का पैसा अगर आपने रोक लिया नहीं, एपी को पेमेंट नहीं दे रहा है, तो एपी का पैसा अगर मान लो आप 60 डेज से पेमेंट नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपकी जो नेट साइकिल है, नेट जो साइकिल है वो क्या बनेगी, नेट साइकिल या कैश साइकिल जो बनेगी वो क्या बनेगी जी सिर्फ 40 डेज की बनेगी। ठीक है, अब बात आता है जी कैश बैलेंस जो मेंटेन करता है उसकी जो क्या रीजंस होते हैं। पहले तो वो बिजनेस ऑपरेशन कर सके ताकि वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पे करता रहे, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो भी है उसको दे सके, कंपनसेटिंग बैलेंसेस ताकि मिनिमम चेकिंग अकाउंट उसको मेंटेन करना सके, जो कि बैंक के साथ उसको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होता है कंपनी को फाइन पड़ जाती है। दूसरा ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि कभी कभी आपको क्विक परचेज या कोई बड़ा सा परचेज हो तो आपको कैश डिस्काउंट अगर लेना है तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। तीसरा होता है स्पेकुलेशन, का मतलब होता है कि आपके पास कोई स्पेशल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ गई जो हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर उसको बेनिफिट्स ले सकते हैं और साथ में आप भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कैसे होंगे कैश होंगे देन ओनली यू कैन गेट दिस बेनिफिट्स। तीसरा होता है प्रिकॉशनरी, इसका मतलब होता है ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है। तो अगर आपने खुद से कहीं पे पढ़ा होगा तो वहाँ पे तीन ऑब्जेक्टिव्स को वो लोग ये करते हैं। ठीक है जी, करंट ऑपरेशन वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं जी ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव्स हो सकती है, स्पेकुलेशन हो सकती है, तीसरी प्रिकॉशनरी हो सकती है। ठीक है जी, तो वहाँ पे ये तीनों को साथ में मिला के पढ़ते हैं कहीं और भी अगर आपने पढ़ा होगा तो। दूसरा बोलते हैं जी फ्लोट्स, का मतलब हो जाता है मिनिमम आपको जो पैसे बुक्स में रखने होते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्लोट्स, यानी आपका जो फंड्स होता है। ठीक है, इज द टाइम टू टेक द चेक्स फॉर द मेंटेन, अच्छा ये फ्लोट्स रेफर टू द टाइम फ्लोट्स, सॉरी फ्लोट्स का मतलब ये होता है कि जो टाइम आपको चाहिए पैसे मिलने के लिए। ठीक है, मतलब वो जो टाइम पीरियड है कि आपने रिक्वेस्ट रेज किया और आपको जो पैसे मिले उसको हम लोग फ्लोट्स बोलते हैं। हाँ बोलिए जी सर, फ्लोट्स में और कॉम्पनसेटिंग बैलेंस में क्या फर्क है? जी कॉम्पनसेटिंग बैलेंस में आपने मुनीम से पैसे ले रहे होंगे पुरानी फिल्म में, तो बोलता है कि मुनीम बोलता है कि 100% ब्याज, तो मुनीम क्या बोलता है कि 100 रुपया आपको लोन आपके बुक्स पे लिखता है और 10 रुपया ब्याज काट के देता है, 10 रुपए का ये जो ब्याज होता है दैट इज कॉल्ड द कंपनसेटिंग, वो इनिशियली सामने से काट के आपको 90 रुपए का कैश देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग बैलेंसेस। तो बैंक क्या करती है, बैंक आपको 100% का लोन देती है लेकिन आपको विड्रॉइंग फैसिलिटी सिर्फ 80 का देती है, इसका मतलब 20% अपने पास वो रखती है एज अ कंपनसेटिंग। ठीक है, तो ये चीजें होती है।
फ्लोट्स को लेके ये है, तो फ्लोट्स को आप सिंपल सा याद रखिएगा, वो पुराना मुनीम वाला हिसाब के 10% ब्याज, यानी ब्याज पहले काटेगा पैसा बाद में देगा, ठीक है। तो फ्लोट जो होता है वो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपके चेक जो होते हैं मेल होते हैं प्रोसेस होते हैं, यानी कि कलेक्शन चेक को कन्वर्ट होने का जो टाइम फ्रेमवर्क होता है उसको हम फ्लोट बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। एक चेक आएगा, चेक से जब तक वो कैश नहीं बनेगा तब तक ये जो पीरियड है उसको फ्लोट बोलते हैं। तो रिकॉर्डेड ऑन बुक्स नॉट रिसीव्ड एंड पेड बाय द बैंक, यानी आपने जिस दिन ये जो गैप है, यानी आपने बुक्स में आज AR लिख लिया, ठीक है, आपने AR लिख लिया लेकिन एक्चुअल में पैसे आपको 3 दिन के बाद है, तो AR आज बुक्स में लिखा लेकिन AR आज माइनस किया आपने, आप कैश आपके 3 दिन के बाद है, तो ये जो 3 दिन है दैट इज कॉल्ड द फ्लोट, ठीक है। आगे एक सवाल आएगा जिसमें आपको फ्लोट कम करने के लिए एडवाइस पूछा जाएगा कि जी फ्लोट कम करना चाहते हैं उसके लिए ये कॉस्ट है, तो आप चेक करेंगे कि फ्लोट रखने के कितने चार्जेस हैं और कम करने के कितने चार्जेस हैं, ठीक है। जीरो बैलेंस है इसका मतलब यह है द फॉर्म इज नोटिफाई ईच डे फॉर द चेक प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट एंड ट्रांसफर ओनली द फंड्स नीडेड टू कवर देम। तो एक तरह का ये किस टाइप का होता है, ये कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कोई कोई कंपनी में क्या करते हैं, वो 3-4 अकाउंट्स बना के रखते हैं, अकाउंट्स ओपन करके रखते हैं, जिसमें वो क्या चेकआउट वाला जो अकाउंट्स होता है उसमें वो बोलते हैं कि जैसे ही पैसे की जरूरत होगी मेन अकाउंट से निकाल के पेमेंट कर दीजिएगा, तो एक तरह का वो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो वो एक तरह से समझिए कि कवर्ड अकाउंट होता है, पहला जो प्राइमरी अकाउंट है उससे वो कवर्ड अकाउंट की तरह होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई आपको कैश रखने की जरूरत नहीं होती है, जितना का चेक आता है उतना का वो नॉन अकाउंट से निकाल के वो, लेकिन आपको उसके लिए क्या देना पड़ता है जी, इंस्ट्रक्शन पहले से दे के रखना होता ताकि वो पैसे निकाल सके, ठीक है। लॉकबॉक्स सिस्टम क्या होता है, बोलता है कस्टमर सेंड द पेमेंट डायरेक्टली टू द बैंक टू स्पीड अप द डिपॉजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब आपको आसान शब्दों में मैं बता दूं तो क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि बम्बई में आपकी ऑफिस है और आपका कस्टमर दिल्ली में है, बम्बई में, सब जगह है, तो आपने क्या कर रखा है जी कि दिल्ली में कहीं एक कॉमन जगह पे आपने एक बैंक के साथ एक फैसिलिटीज ले रखी है, उस फैसिलिटीज का नाम होता है लॉकबॉक्स सिस्टम। तो आपको क्या होता है, दिल्ली का बंदा वहां जाके बैंक में अगर डिपॉजिट कर देगा तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। अभी तो चूंकि ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है या दूसरे, अभी कहीं का पैसा कहीं भी डिपॉजिट करते हैं उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज बाई करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये पुरानी ट्रेडिशनल वे है। तो लॉकबॉक्स सिस्टम में क्या होता है, कस्टमर सेंड पेमेंट डायरेक्टली टू द बैंक टू स्पीड अप द डिपॉजिट्स, ठीक है। इंक्रीज द इंटरनल कंट्रोल ओवर द, यानी तुरंत में आपको पैसे वहां पे जमा हो जाते हैं दिल्ली में, बम्बई तक उसको आने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा टाइमली डिपॉजिट्स हो जाता है क्योंकि बीच में जो ट्रांसमिशन टाइम है वो खत्म हो जाता है, और इफेक्टिवली क्या हो जाती है जी, आपकी आपकी कॉस्ट सेविंग बढ़ जाती है क्योंकि पैसे आपको टाइम पे पहले मिल जाते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि जी इफ एवरेज डेली जो रिसीट्स है वो 500,000 का है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है 4% का, बैंक लॉकबॉक्स रिड्यूस द फ्लोट बाय 2 डेज, यानी 2 दिन से बैंक अपना फ्लोट कम कर देगा। बैंक बोलता है कि मैं आपको फैसिलिटी दिल्ली में अवेलेबल करा दूंगा, और वैसे क्या होता था, दिल्ली वाले बंदे को बम्बई में पैसे भेजने होते थे और उसके लिए उसको 4 या 5 दिन लगते थे, लेकिन अब वो 2 दिन से आपका फ्लोट कम करा देगा। तो मान लो पहले पुराने वाले 4 दिन लगते थे, अभी 2 दिन से फ्लोट कम हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 दिन की आपकी सेविंग हो गई है। अब जो 2 दिन की सेविंग हो गई उसको आप इंटरेस्ट में लगा सकते हैं, तो कैसे लगाएंगे, 5,00,000 × 2 दिन यानी 10,00,000, 10,00,000 का 4% 40,000, ठीक है जी। तो 40,000 आपकी इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने प्लॉट में अगर 2 दिन पैसे ज्यादा रखे, यानी आपको बैंक में ज्यादा पैसे इंटरेस्ट देने पड़ेंगे क्योंकि आपने बैंक से बोरो करके बिजनेस करते हैं, तो आपको 2 दिन का इंटरेस्ट सेव हो जा रहा है। फिर बोल रहा है जी नेट इंक्रीज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैश रिसीव प्रोसेसिंग 360 - 10। अब ये 10,000 कहां से आ रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तब ये बोल रहा है बैंक चार्जेस जो है वो 36,000 पर ईयर है, लेकिन अब जो बैंक जो है इससे 10,000 का वो उससे ये जो लॉकबॉक्स सिस्टम लेगा तो उसके लिए कितना हो जाएगा, उसको 10,000 की सेविंग हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी जो सेविंग होने वाली है, अभी जो कॉस्ट होने वाले नेट इंक्रीज, सॉरी यहाँ पे बोला कि फ्लोट जो है 2 दिन से कम कर देगा, बैंक चार्ज करेगा कितना 36,000 पर ईयर,
फॉर्म सेव्स 10,000 इंटरेस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट, बैंक बोल रहा है कि जो लॉकबॉक फैसिलिटी दूंगा उसके लिए आई विल चार्ज 36,000, बट द सेम टाइम जो बंदा है जो फॉर्म है उसको 10,000 की इंटरेस्ट के प्रोसेसिंग कॉस्ट बच जाते हैं, यानी नेट में जो उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो 26,000 का इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ड्यू टू इंस्टॉलिंग अ लॉक बॉक्स सिस्टम, बट द सेम टाइम दो दिन का उसका फ्लोट जो है बच जाता है, तो दो दिन के फ्लोट बचने के कारण ही इज एक्चुअली सेविंग 40,000 और उसका जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जा रहा है वो जा रहा है जी 26,000 का। तो इसमें आपके लिए क्या डिसीजन होगा, ही शुड गो फॉर द लॉक बॉक्स सिस्टम बिकॉज इनडायरेक्टली ही इज एक्चुअली सेविंग 14,000 एज अ सरप्लस। तो लॉक बॉक्स में उसका क्या हो गया, फ्लोट टाइम कम हो गया, फ्लोट टाइम कम हो गया तो उसके पास जो अवेलेबल फंड थे उसने बैंक को डीपे कर दिया तो उसका इंटरेस्ट की सेविंग हो गई। अब जब लॉक बॉक्स सिस्टम हमने लिया है तो हमको दो दिन का कम बोरो करने के कारण हमको 10,000 की फैसिलिटी हो रही है, लेकिन बेनिफिट्स हो रही है, बट द सेम टाइम लॉक बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए बैंक इज आस्किंग 36,000। तो नेट में जो हमारा कैश आउटफ्लो है वो 26,000 है, बट हमारे जो सेविंग ऑन इंटरेस्ट है क्योंकि दो दिन की फ्लोट की सेविंग थी वो कितने की है, 40,000 की है। तो 40,000 माइनस 26,000 करेंगे तो हमारे को 14,000 का बचत हो जाएगा बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द लॉक बॉक्स सिस्टम। तो हम अपना पूरा फुल फ्लोट्स में से दो दिन बचा रहे हैं जिसके कारण हमको 26,000 बच रहा है। तो ये क्या है, इट इज द बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस। जी भाई बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे अनस भाई, आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं मनोज भाई। ओके, ये क्या होता है कंसंट्रेशन बैंकिंग में, क्या होता है कस्टमर पे लोकल ब्रांचेज इंस्टेड ऑफ द मेन ऑफिस सो दैट ही गेट्स द ईज ऑफ फंड मोर क्विकली, तो द फ्लोट शॉर्टन हो जाता है, वायर ट्रांसफर जो होता है मे बी कॉस्टली। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो मान ले कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी अगर वायर ट्रांसफर जैसे अगर आप हमको कीजिएगा यूएई में और आपका अदर बैंक है तो हो सकता है कि 25 रुपया चार्ज लगता होगा, ठीक है, लेकिन वही जगह में आप क्या कर लीजिएगा, आप जो है एडीसीबी के किसी लोकल बैंक में जाके अगर मेरा अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मेरे लिए कलेक्शन टाइम शॉर्ट हो जाएगा, आपके लिए कॉस्ट बच जाएगा। तो इस टाइप के सिचुएशंस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपको पता ही है, डायरेक्टली कस्टमर अपने अकाउंट से ऑनलाइन बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देता है। पे बाय चेक आपको पता है, पुराना प्रोसेस है। इंटरनेशनल कैश जो एमएनसी जो फॉरेन में जब पैसे भेजते हैं तो वो इंटरनेशनल कैश मैनेज डे टू डे नहीं पता हम, संडे है, डेट 14 है। तो देखिए इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट में क्या होता है, जो फॉरेन में पैसे रूट होते हैं वो इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट के थ्रू रूट होते हैं, ठीक है। अब देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज को लेके आप लोग के बाद पास में अगर कुछ थोड़ा सा नॉलेज होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें जो तीन चार एग्जांपल्स हैं, पहला है जी ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल से रिलेटेड थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इन्होंने बोला है कि ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन बैक्ड बाय द यूएस ओरिजिनली मैच्योरिटी होता है अंडर वन ईयर, ठीक है, एंड कैन बी बॉट एंड सोल्ड इजली फ्रॉम द इश्यूएंस टू द मैच्योरिटी डेट, दे आर जीरो कूपन फॉर्म्स एंड पे नो फॉर्मल इंटरेस्ट सो द ट्रेड इट एट डिस्काउंट टू द मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात होती है, ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने बोला भी है गवर्नमेंट या फेडरल बैंक जो होते हैं या कोई रिजर्व जो फेडरल रिजर्व होते हैं ये इसी को इशू करते हैं। दूसरा इसमें हमने आपको बोल दिया था कि अगर 100 रुपए का ZCB है, जीरो कूपन बॉन्ड है या ट्रेड बिल है जो भी है, तो ये क्या होता है, ये 90 में इशू हो गया, इसका मतलब कि 10 रुपए का वो आप जब मैच्योरिटी के टाइम में जब देने जाइएगा तो आपको 100 रुपया मिल जाएगा क्योंकि आपने बाय 90 में करा था। ट्रेजरी नोट्स के बारे में बोला है, तो इसने बोला कि ट्रेजरी नोट्स जो है ये होता है कि जिसकी मैच्योरिटी 1 से 10 साल की होती है, बिल्स 1 साल की, नोट्स 1 से 10 साल की। इसमें फॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे होते हैं सेमी एनुअली, यहाँ पे कोई फॉर्मल इंटरेस्ट रेट नहीं पे होते हैं, ठीक है जी। अब बात आता है कि ट्रेजरी बॉन्ड क्या है, इसकी मैच्योरिटी ये जो होता है एज नोट्स की तरह होता है, इसकी मैच्योरिटी जो होती है वो 10 साल के ऊपर होती है, यानी कि अगर आप इसको कैसे बांट सकते हैं, 1 साल 1 से 10, 10 से ऊपर, ठीक है, तो इस तरह से आप बांट सकते हैं। चौथा हो जाएगा ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, इसमें क्या होता है, ये नोट्स एंड बॉन्ड्स होते हैं, दे पे द फिक्स रेट इंटरेस्ट बट द प्रिंसिपल जो होता है एडजस्ट हो जाता है सेमी एनुअली,
फॉर द इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन के हिसाब से उसका जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ता या घटता रहेगा, ठीक है। यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है, अगर मार्केट में अगर 5% का इन्फ्लेशन है तो 5% से आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है जी फेडरल एजेंसी सिक्योरिटीज, बोल द ऑफर मे एट मे नॉट बी बैक्ड बाय द फुल फेथ एंड द क्रेडिट ऑफ यूएस, डू नॉट ट्रेड एज एक्टिवली एज अ ट्रेजरीज बट पे स्लाइटली हायर रेट्स। तो इसमें क्या होता है, ये जो थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि इसमें ये बैक्ड बाय यूएस गवर्नमेंट नहीं होता, ठीक है, तो ये थोड़ी सी ये आपको चूंकि रिस्की होता है तो यहाँ पर रिटर्न थोड़े अच्छे आते हैं। उसके बाद जो आता है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स जो होते हैं, ये किसके साथ है, ये बोलता है कि ये टाइम डिपॉजिट विद बैंक विद लिमिटेड गवर्नमेंट एश्योरेंस इंश्योरेंस इंटरेस्ट यील्ड हायर ऑन द सीडीज देन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से थोड़ा इसके इंटरेस्ट जाते होते हैं, इज नॉट एज लिक्विड एज द एज सेफ दो दे इज अ इंश्योर्ड बाई EDFC, तो दूसरी कोई वहाँ की इंश्योरेंस कंपनी है वो इसको इंश्योर करती है, ठीक है जी। कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं मैं आपको बता दें, ये इशूड बाई कॉरपोरेट्स होते हैं और दूसरे जो खरीदते भी हैं तो वो कॉरपोरेट्स ही होते हैं, तो कॉरपोरेट टू कॉरपोरेट्स होते हैं, इसका जो इश्योरेंस करती है वो बैंक करती है। ठीक है, उसके बाद बैंकर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे कोई ड्राफ्ट है जो बैंक बैंक के साथ ये करती है, डील करती है। एग्जाम में आपको ये वाला आता है, यूरो डॉलर सर्टिफिकेट्स आता है, बोला यूएस हेल्ड कंपनीज होती है, यूएस बेस्ड कंपनीज जो होती है वो डिपॉजिट्स होती है, ऑन डिपॉजिट ऑन फॉरेन बैंक्स एंड लेंड बाय द बैंक टू एनीवन नीडेड जनरली पे हायर रिस्क। यहाँ पे नोट दैट यूरो ऑर्डर जो डिपॉजिट जो होते हैं वो डिनोमिनेटेड इन यूएस होते हैं, ना के पाउंड में, ये यूरो है नॉट द पाउंड, सॉरी यूरो में नहीं होते, ठीक है, ये फॉरेन बैंक्स की डिपॉजिट्स होती है। फिर म्यूचुअल मनी मार्केट में आपको क्या होते हैं, जो शेयर्स जो छोटे छोटे डिपॉजिटरी उसको क्या बोलते हैं डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, यानी डीमैट के थ्रू जो ट्रांसफर होते रहते हैं उस टाइप, ये मनी मार्केट फंड्स होते हैं। ये बोलता है कि शेयर्स इन अ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन इंस्ट्रूमेंट दैट हैज अ एवरेज मैच्योरिटी डेट अंडर 60 व्हिच इज जनरली मेंटेन अ सस्टेनेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स नाउ मे बी द फेड इंश्योर्ड, फेड मतलब फेडरल के इंश्योर्ड होते हैं। मनी मार्केट अकाउंट्स होते हैं लाइक द सेविंग अकाउंट CD कॉमर्शियल पेपर्स, ये सारी चीजें होती है। तो इसमें से चार पांच जो है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में हो सकता है कि आपको हेल्प मिल जाए। अजी जी, रिसीवेबल मैनेजमेंट में क्या होता है, रिसीवेबल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व द सिस्टम फॉर डिसाइडिंग वेदर नॉट टू ग्रांट द क्रेडिट, या आप जो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और आप क्रेडिट एप्लीकेशन बोलते हैं कि भर के दो, तो क्रेडिट एप्लीकेशन में आप उसकी चीजें क्या देखते हैं, आप उसके एसेट्स देखते हैं, लाइबिलिटी देखते हैं, साथ में आप उसकी क्या देखते हैं करंट रेशियो देखते हैं, क्विक रेशियो देखते हैं, ताकि आप डिसाइड कर सके कि भाई इसको लोन दे, इसको मैं क्रेडिट पीरियड दूं तो कितने दिन का दूं, ठीक है। तो ये आपकी उसकी हिस्ट्री देखते हैं, बेस्ड ऑन दैट आप उसको क्रेडिट अलाउ करते हैं, ठीक है। तो AR मैनेजमेंट का वो बहुत बड़ा क्रिटिकल पार्ट होता है। द सेम टाइम वेदर नॉट टू ग्रांट द क्रेडिट और मोनिटरिंग द रिसीवेबल्स एंड द क्रेडिट पॉलिसी कंसिस्ट द 4 वेरिएबल्स, उसमें चार चीजें होती है, एक तो पहला जो आप क्रेडिट पीरियड होता है, दूसरा आप डिस्काउंट वाले कि कितना मैं इसको डिस्काउंट दे सकता हूँ, इनके पास कितने कैश होते हैं उसके हिसाब से, तीसरा क्रेडिट क्राइटेरिया, क्रेडिट क्राइटेरिया का मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर द कस्टमर टू ग्रांटेड द क्रेडिट, बिफोर ग्रांटिंग द क्रेडिट मस्ट डिटरमाइन द लेवल ऑफ द क्रेडिट रिस्क, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द सोर्स लाइक डोन एंड ब्रेडशीट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये तो नहीं पता लेकिन दूसरा मेरे को पता है, आप अगर UAE में या इंडिया में होते हैं तो आपसे वो रेफरेंस मांगते हैं, बैंक के रेफरेंस मांगते हैं, दूसरे कस्टमर के रेफरेंस मांगते हैं, वो कभी कभी डबल चेक करते हैं कि हाँ जी भाई इसकी कैसी ये इसके रिस्पॉन्स कैसे हैं, ये टाइम से पैसे पे करता है कि नहीं करता, ऑल दिस थिंग्स। लास्ट में क्रेडिट पॉलिसी मेथड ऑफ द क्लोजिंग अकाउंट्स, मेथड यूज्ड टू कलेक्ट स्लो पेइंग अकाउंट्स, तो कलेक्शन पॉलिसीज आप उसके साथ क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट वाला लगाएंगे, डिस्काउंट वाली लगाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेनली चार वेरिएबल्स होते हैं जो आप कोई भी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करते वक्त अप्लाई करते हैं। अब बात आता है जी AR टर्नओवर के बारे में, तो आपने पढ़ा ही होगा नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज AR, और उसके बाद नंबर ऑफ डिलेज में आपने पढ़ा होगा 360 और 365 डिवाइड बाय AR टर्नओवर, तो इससे आपको नंबर ऑफ डिलेज पता चल जाता है। दूसरा एग्जाम का ये छोटा सा सवाल से, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। AR का फाइनेंसिंग करवाना है, यानी आपके पास AR है, आपको पैसे नहीं आ रहे पर पैसे अभी चाहिए, तो अभी आप इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप जो है लोन ले लें
विद दी रिसीवेबल ऑफर्ड एज अ कोलेटरल फॉर द लोन, यानी आप अपना एआर जाके बैंक को दे दे और बैंक को उस एआर के अगेंस्ट में आपसे लोन अप्रूव करा ले, दैट इज कॉल्ड द प्लेज। दूसरा होता है जी फैक्टरिंग, या फैक्टरिंग होते हैं, फैक्टरिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, फैक्टरिंग दो तरह से होते हैं, या तो रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स। अगर कोई मेरे को बता सकता है कि फैक्टरिंग के बारे में, फैक्टरिंग के बारे में कोई बता सकता है क्या भाई? फैक्टरिंग विद कोर्स और विदाउट रिकोर्स जो होते हैं, उसका मतलब ये है कि कोई आपने किसी को अपना जो है रिसीवेबल बेच दिया, तो उसके अंदर ये होता है कि भाई पैसा मिले या ना मिले मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपको नहीं मिला तो मैं आपको वो लॉस जो है आपको पे करूंगा। तो यानी रिकोर्स में बोलता है कि अगर कोई बैड डेप्ट होगा तो वो साथ में आपको आपको बैड डेप्ट जितना होगा आप उसको माइनस करने दे देगा। विदाउट रिकोर्स होगा तो जो बैड डेप्ट होगा वो किसका होगा, बायर का होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा द रिसीवेबल्स आर एक्चुअली सोल्ड टू द फाइनेंसिंग कंपनी विद अ फैक्टर, दे एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ नॉन कलेक्शन चार्ज फॉर द चार्जेस परसेंटेज फीस फॉर एक्सेप्टिंग द रिस्क बेस्ड ऑन द एस्टिमेट ऑफ द अनकलेक्टेड बिल known as the interest rate based on the fund advance, this factored with recourse का मतलब होता है risk of uncollection not transferred। अगर जो recourse वाला है उसमें क्या होता है, bad debt का risk होता है वो transfer नहीं होता है, with course में क्या होता है जी transfer हो जाता है, that's all, without course में transfer हो जाता है, ठीक है जी। अब सवाल आता है जी inventory management में, तो inventory management भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके बहुत सारे पैसे जो होते हैं कहाँ लगे होते हैं, इन्वेंट्री में लगे होते हैं, ठीक है। और कौन से पैसे लगे होते हैं जी, करंट एसेट वाले पैसे आपके लगे होते हैं। तो अगर आपने प्रॉपरली इसको ये नहीं किया तो आपके फंड वहां पे टाइड अप हो जाएंगे और आपके ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, हैम्पर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, बजटिंग द इन्वेंट्री परचेज डिसीजन वॉल द डिटरमाइनिंग व्हेन टू प्लेस एन ऑर्डर स्टार्ट प्रोडक्शन और प्लेस द इन्वेंट्री सो एज मच एज टू, मेन गोल क्या होता है, मेंटेन द एडुकेट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, आपका स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं हो जाए, जिसको ओओएस बोलते हैं, ओएस का मतलब आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन, ओओएस, ठीक है। दूसरा बोलता है मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट क्या, कैरिंग कॉस्ट, एडरिंग कॉस्ट, रिसीविंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ रनिंग आउट द इन्वेंट्री, यानी चार पांच कॉस्ट है, वो चार पांच की सब कॉस्ट को कंबाइन करके आपको क्या करना है जी, कम करना है। दूसरा प्रोडक्शन पर टन आप को समझना पड़ेगा, उसका इन्फ्लेशन एंड सप्लाई चेन। लास्ट में दो चीजें हैं, आपने एक मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट प्लानिंग के बारे में पढ़ा होगा, एमआरपी क्या होता है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जहां पे आप क्या करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एमआरपी में क्या होता है, आपने सुना होगा कि आप पहले क्या होते हैं, सेल के फोरकास्ट लेते हैं, उसके फोरकास्ट के हिसाब से आप प्रोडक्शन का बजट बनाते हैं, प्रोडक्शन बजट के बेस पे आप रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं, तो ये एमआरपी अप्रोच होता है, ये पुराना ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। नया का अप्रोच है, उसका नाम है लीन क्या बोलते हैं, लीन प्रोडक्शन, लीन मैन्युफैक्चरिंग, जेआईटी, जस्ट इन टाइम लीन प्रोडक्शन, लीन प्रोडक्शन, और जीआईटी उसका दूसरा नाम है जिसका नाम है जस्ट इन टाइम। वो क्या होता है, वो डिमांड पुल अप्रोच कहा जाता है, वहां पे क्या होता है, जैसे डिमांड आएगी आप वैसे सारी चीजों का इंतजाम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एमआरपी जो होता है वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है दैट परमिट्स द मैनेजमेंट ऑफ द फिनिश गुड प्रोडक्शन इन्वेंटरी बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेल्स को पहले आप फोरकास्ट करेंगे, फिर उसके साथ में आप चीजें करते जाएंगे। ईआरपी के बारे में आपको पता होगा कि इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, जहां पे हर दूसरे मॉड्यूल्स के साथ ये इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। और ये फैसिलिटेट सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है बाय कनेक्टिंग द सप्लायर एंड बायर, ये एक्सटेंडेड ईआरपी की सर्विसेज होती है। अब बात आता है जी इन्वेंटरी टर्नओवर के बारे में, इन्वेंटरी टर्नओवर जो है वो सीओजीएस पे निकलता है। अब सवाल आता है कि सीओजीएस कैसे निकलता है, तो सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी कर दीजिएगा तो सीओजीएस निकल जाएगा, तो सेल्स माइनस जीपी कीजिएगा तो सीओजीएस निकल जाएगा, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी कीजिएगा तो आपका इन्वेंटरी टर्नओवर हो जाएगा। इन्वेंटरी टर्नओवर के बाद नंबर ऑफ डेज इन इन्वेंटरी, क्यों, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल निकालने के लिए चाहिए होता है, तो आपको 360 करके डिवाइड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर कीजिएगा तो उससे नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा। अगर मंथ में चाहिए तो 12 को डिवाइड करना है, वीक में चाहिए तो 52 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड सवाल। अब एग्जाम में जो चीजें आती हैं वो देख लीजिए, एग्जाम में जो चीजें आती है वो आती है जी रीऑर्डर पॉइंट्स या रीऑर्डर लेवल आपसे पूछा जाता है।
बोलता है जी री ऑर्डर लेवल निकालिए, तो री ऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज डेली डिमांड इनटू द एवरेज लीड टाइम। लीड टाइम यहाँ पे क्या होता है, जो आप ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर को कन्वर्ट होता है, यानी ऑर्डर दिया और आपके पास में माल रिसीव होता है, उस टाइम फ्रेम को लीड टाइम बोलते हैं। ठीक है, पर डे मान लो आपको 25 यूनिट चाहिए, 10 दिन का लीड टाइम है, इसका मतलब आपके इन्वेंटरी में 250 चाहिए। साथ में एक सवाल आता है जी सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपने आपने बोला है कि जी भाई ठीक है मेरे पास तो 250 चाहिए चाहिए, पर मैं चाहता हूं कि मैं अपने हाथ में कुछ दिन 15 दिन का और माल रख लूं ताकि मैं स्टॉक आउट सिचुएशन में नहीं जाऊं। इसका मतलब ये है कि आपने 15 दिन का और माल रख लिया, तो 15 दिन का माल और रख लेंगे, 10 दिन का ऑर्डर यानी 25 दिन का पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पे सवाल जो है वो कैसे है वो देखिए, बोलता है कि कंपनी को 25 यूनिट पर डे चाहिए। कंपनी जो बोलता है कि हमको ऑर्डर टेक करने में 10 दिन लगता है। दूसरा, व्हेन एन ऑर्डर शुड बी प्लेस विद द इन्वेंटरी, इसका मतलब है कि 250 का मिनिमम जो रीऑर्डर पॉइंट्स है उसमें मिनिमम हमको 250 ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन साथ में उन्होंने मैक्सिमम लीड टाइम बता दिया, यानी कि या तो 10 दिन लगता है नहीं तो 15 दिन लगता है, कम से कम 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। तो 5 दिन आप अपने हाथ में बफर डेज रखिएगा। क्या रखिएगा? बफर डेज रखिएगा। तो बफर डेज रखने का मतलब क्या होता है कि आपको 5 दिन, तो 5 दिन इंटू 25 कीजिएगा तो आपको 125 क्या आ जाएगा जी, 125 जो हो जाएगा वो आपके लिए सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द बफर पॉइंट, और उसको सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। अब एग्जाम में जो आपके सवाल आते हैं वो हमेशा सवाल आते हैं जी ईओक्यू। ईओक्यू स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो होता है जहाँ पे आपके सारे कॉस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, मिनिमम होते हैं। मिनिमम होते हैं सारे कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, ये सॉरी वो बोला जाता है कि यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये सारे जो कॉस्ट होंगे वो क्या होंगे, एकदम मिनिमम होंगे। बोला है द फॉर्मूला टेक प्लेस द एनुअल यूजेस इन्वेंटरी ए, कॉस्ट इन्वॉल्व द प्लॉसिंग पी एंड द स्टोरेज के लिए एस। बट जब हम बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, सुन लीजिए, 2AO डिवाइड बाई सी, ए फॉर एनुअल एनुअल डिमांड, साल भर का डिमांड, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट। जब हम यूज करते हैं फॉर्मूला आई डू रिफर दिस वर्ड 2AO डिवाइड बाई सी, 2AP नहीं यूज करते हम, 2AO डिवाइड बाई सी यूज करते हैं। इसका मतलब ए फॉर द एनुअल डिमांड, ठीक है, ओ फॉर द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सी फॉर द कैरिंग कॉस्ट, और स्क्वायर रूट करना है। तो अब इन्होंने बोला जी एनुअल जो यूजेज है वो कितना है, 1000 यूनिट का इनका एनुअल यूजेज है, तो 2 × 100 एनुअल यूजेज हो गया, 2 × 100 आपका एनुअल यूजेज हो गया। बोल रहा है कॉस्ट 2 रुपया टू प्रोसेस द ऑर्डर, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 2 रुपए का है। 7 रुपया बोल रहा है टू स्टोर द ईच यूनिट इनटू द इन्वेंटरी, यानी 4 रुपया आपको स्टोर के अंदर रखने का कॉस्ट है। तो इससे इसको काटिएगा तो कितना आएगा जी, 2 से इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 × 4 × 4 2 से 2 कट गया, बच गया 100, 100 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, आंसर आएगा जी 10। यानी उसको जब भी ऑर्डर करना चाहिए ही शुड ऑर्डर मिनिमम 10 यूनिट सो दैट ही कैन हैव द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। अब बात आता है जी इन्वेंटरी फाइनेंसिंग को लेके। बोल रहा है कि अगर आपने इन्वेंटरी फाइनेंसिंग में क्या होता है, यहाँ पे बोला है बोरोइंग फंड बाय यूजिंग द इन्वेंटरी एज अ कोलेटरल, ठीक है, आपने अपने इन्वेंटरी को पीछे जैसे अपना जैसे आपने अपनी एआर के बेस पे एआर को कोलेटरल देके फाइनेंसिंग ली थी, पहला प्रोसेस जिसको हम दूसरे लफ्ज में असाइनमेंट भी बोलते हैं, असाइनमेंट ऑफ एआर भी बोलते हैं। और दूसरा हमने किया था कौन सा, वो किया था हमने फैक्टरिंग किया था। फैक्टरिंग में 2 चीजें थी, पहला क्या था हमारा कोर्स विथ रिकोर्स था, दूसरा विदाउट रिकोर्स था, ठीक है जी। अभी इन्होंने बोला जी कि फंड हम क्या कर सकते हैं, तो पहला ये होता है कि ब्लैंकेट इन्वेंटरी जितनी भी इन्वेंटरी है सबको लेके, फिर ट्रस्ट रिसिप्ट के बेस पे यानी फ्लोर प्लानिंग, एक्नोलेज द बोरोअर होल्ड द इन्वेंटरी विच इज ट्रैक्ड एंड कंट्रोल बाय द सीरियल नंबर्स, और साथ में फिर उनको रिपोर्ट देखने होते हैं, फिर वेयर हाउस के बेस पे हो सकते हैं, तो वेयर हाउस के जी जी ब्लैंकेट इन्वेंटरी मतलब यानी पूरा का पूरा इन्वेंटरी इज कोलेटरल विदाउट एनी फिजिकल कंट्रोल बाय द लेंडर। अरे पूरा का पूरा इन्वेंटरी दिखा के लोन ले लेते हैं ना भाई साहब, बस वो ब्लैंकेट इन्वेंटरी हो गया। और साथ में जो एक ट्रस्ट रिसीट वाला होता है उसमें बोलते हैं कि इतना कम से कम मिनिमम हम स्टॉक रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। वेयर हाउसिंग में क्या होता है,
स्टोर्ड इन अ पब्लिक वेयर हाउस एंड मे बी रिमूव्ड ओनली विद द लेंडर्स परमिशन, जिसने आपने मतलब जो आपको लोन दिया हुआ है उसके परमिशन के हिसाब से आप माल निकालिएगा। यानी आपको हर बार माल निकालने के लिए एक इन्वेंट्री की लिस्ट बनानी पड़ेगी, अपने साइन करना पड़ेगा और साथ में बैंक से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के कॉस्ट में इंक्रीज, देयरफॉर द हेजिंग हेल्प्स इन मिटिगेटिंग द रिस्क, हेजिंग स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रिस्क, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट रिस्क राइज द इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्रीज, हेजिंग हेल्प इन मिटिगेटिंग द रिस्क। यहाँ पे हमको लग रहा है कि हेजिंग स्ट्रेटजीज क्या होगा कि आप कुछ इन्वेंट्री एक्स्ट्रा बाई करके रखेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको मार्केट से बोरो लोन नहीं बोरो करना पड़ेगा, तो आपके कॉस्ट थोड़े कम हो जाएंगे। अच्छा, जीआईटी के बारे में अभी हमने आपको बताया था, ये क्या होता है जी, ये डिमांड पुल अप्रोच होता है, डिमांड आता है उसके हिसाब से काम करता है। तो बोलता है क्या बोलता है, सम कंपनी फॉलोज द जीआईटी फिलॉसफी टू इन्वेंटरी ऑर्डरिंग द लिटिल एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। दूसरा होता है टू क्लोज द डेट नेट टू पॉसिबल कीप द इन्वेंटरी लो एज मिनिमाइज द प्रोडक्शन साइकिल टाइम। यहाँ पर समझ सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर जो भी आप बाई करते हैं वो हमेशा क्या होता है, डिमांड से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जितने का ऑर्डर आता है उसके हिसाब से बाई करते हैं। दूसरा बोल रहा है कि हाउएवर द जीआईटी सिस्टम कैन ब्रेक डाउन इफ द सप्लायर डू नॉट प्रोवाइड, अगर आपका जीआईटी सिस्टम कभी कैलप्स हो सकता है अगर जिस सप्लायर पे आपने रिलाई करके काम किया था, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सप्लायर्स कम होते हैं तो वहाँ पे आपकी सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाती है सामने वाले के नॉन कॉम्प्लायंस के कारण, ठीक है। साथ में इन्होंने बोला मे बी गुड्स एज प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड रेदर देन लॉन्ग रेंज सेल्स फोरकास्ट, सेल्स फोरकास्ट से इसका काम नहीं होता, जैसे ही डिमांड आता है आपको काम करना पड़ता है। मैच्योर जीआईटी सिस्टम में क्या बोलता है, यूनिट्स आर प्रोसेस फॉर द रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द एफिशिएंसी इन द सिस्टम एंड हायर स्पीड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या करना पड़ता था, हर कॉस्ट का आपको रिकॉर्ड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे जो बैक फ्लश कॉस्टिंग अप्रोच अप्लाई करना पड़ता है। अब आगे आपने हमसे पूछा था जी बैक फ्लश इन्वेंटरी अप्रोच कैसे काम करता है, आपको अनस भाई अगर याद होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे काम करता है देखिए, बैक फ्लश कॉस्टिंग अप्रोच काम करता है, बोला कॉस्ट असाइन टू जॉब विल नॉट बी ट्रैक्ड एज मच इन डिटेल इन द कॉस्टिंग सिस्टम, all manufacturing costs are charged directly to the cost of goods sold since the little or no inventory is expected to remain at the point of time. At the end of accounting period, the cost the company determines is there any inventory. When the inventory exists on reporting date, the costs are allocated from the cost of goods sold into the appropriate inventory account as such as the finish using the standard costing system. इसमें एक्चुअल में जो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझ लें तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट इनिशियली असाइन नहीं होता, कॉस्ट बैकवर्ड असाइन किया जाता है। बैकवर्ड कैसे असाइन किया जाता है, क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला होता है बेस्ड ऑन द सेल्स इंफॉर्मेशन, जो यूनिट बच जाता है उस पर उसी के हिसाब से डिवाइड करके आप डाल देते हो इन्वेंट्री का प्राइस, दैट्स ऑल। यहाँ पे लिखा हुआ है एंडिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू होगी वो हमेशा COGS बेस्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इसकी दो तीन बातें हैं, सबसे पहली जो बातें वो ये होती है कि ये क्या होती है, ये जो है जीआईटी सिस्टम में क्या होती है, ये डिमांड बेस्ड काम करती है। दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ सप्लायर्स कम होते हैं, अगर एक सप्लायर टूट गया तो आपका पूरा चेन खराब हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो भी चीजें होती है, यहाँ पे जो होते हैं इफिशियंट होते हैं, सारे बंदे सारे काम कर सकते हैं, ये बहुत इफिशियंट प्रोडक्शन एनवायरमेंट में काम होता है यहाँ पे। अब आती है जी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपने सुना होगा, पहला होता है जी मर्जर और एक्विजिशन, दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। मर्जर और एक्विजिशन में क्या होता है, मर्जर में ए प्लस बी मिला के सी बनता है, ठीक है, जनरली इस टाइप के होते हैं मर्जर, या ए बी को ले लेता है। एक्विजिशन में हमेशा जो होता है वो क्या होता है, मर्जर जो होता है वो एक्विजिशन है, पर एक्विजिशन मर्जर नहीं है हर केस में। तो ये मर्जर बड़ा कॉन्सेप्ट है एक्विजिशन के बनिस्बत। एक्विजिशन में सिंपल क्या होता है, ए ने बी को ले लिया, ये एक्विजिशन आता है लैंग्वेज के हिसाब से। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपका ए था, ए टूट के बी बन गया,
अब बन गया ए बी, ठीक है। अब बात होगा जी कैसा किया जाएगा इवेल्युएशन और अदर फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या आ सकते हैं जिसमें स्पिन ऑफ ये सब सारी चीजें आती हैं। अब बात आता है जी मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में। बोला इन ऑर्डर टू ग्रो द कंपनी में अडॉप्ट द स्ट्रेटजी टू डू सो थ्रू एक्वायरिंग द बिजनेस बाय अ मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर मे बी हॉरिजेंटल यानी सेम इंडस्ट्री से हो सकता है, वर्टिकल यानी सप्लायर या कस्टमर को ले सकता है, या कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है जिस इंडस्ट्री में हम हैं उसका नहीं बल्कि किसी और का, यानी इफ आई एम इन अ कॉटन इंडस्ट्री आई एम बाइंग द टी गार्डन, इसका मतलब हमारे इंडस्ट्री से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों हो सकता है, वर्टिकल मर्जर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड कॉन्ग्लोमरेट, तीन तरह से मर्जर हो सकते हैं। इन अ मर्जर द सुपर सर्वाइवर कंटिन्यू अंडर इट्स एग्जिस्टिंग नेम एंड अदर लीगली सीज टू एग्जिस्ट, यानी पहला वाला रह जाता है दूसरा वाला खत्म हो जाता है। बोला ए परचेज किया बी को एंड सी को, कंपनी ए कंटिन्यू रहेगा, बी एंड सी विल बी सबसम्ड, यानी वो अपनी समाधि ले लेगा, खत्म हो जाएगा। द मर्जर मे बी द फाइनेंस थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बोरोइंग एंड स्टॉक, ये किसी भी तरीके से मर्जर को फाइनेंस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन में क्या होता है, अब देखिए कंसोलिडेशन होता है कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन इज द कॉम्बिनेशन विच क्रिएट द इंटायरली न्यू फॉर्म्स, न्यू कंपनी विद द मर्ज्ड वन, कंपनी ए कंपनी बी एंड कंपनी सी मर्ज करके डी बन जाता है। तो इस तरह के सिचुएशंस को कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब एक सवाल एग्जाम में आता है जी लिवरेज बाई आउट। लिवरेज बाई आउट आपने बहुत टर्म सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि इज मर्ज That occurs when the buyer of the company borrow a major portion of the purchase price using the purchase asset as a collateral for the debt borrowing. यहाँ पे जो लीवरेज बाई आउट होता है एक्चुअल में क्या होता है, आप कंपनी के इतने एसेट खरीद लेते हैं कि वो कंपनी आप एसेट खरीदने के हिसाब से आपकी वो हो जाती है। दूसरा होता है जी पोटेंशियल एक्विजिशंस टारगेट ऑफन ट्राई टू प्रिवेंट द टेकओवर्स, तो किस तरह से अपने आप को वो टेक ओवर करेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसए, ठीक है। यानी कि आपकी जो टारगेट परचेज है, अगर किसी कंपनी को आप परचेज करना चाहते हैं या कोई कंपनी आपको अगर हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाहती है तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, उसके लिए यहाँ पे थोड़े से पैटर्न है, थोड़ी सी टेक्निक्स है जिसे आप बच सकते हैं। तो देखिए बोलता है कि पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट ऑफन ट्राई टू प्रिवेंट द टेकओवर, टेकओवर जो टारगेट कंपनी है अपने आप को कैसे बचाती है, दे ऑफर द टेकओवर अपन द हॉस्टाइल टेकओवर्स, अगर कोई मतलब उसके द टारगेट कंपनी ऑफेंस रेफर्स टू टेकओवर अटेम्प्ट टू हॉस्टाइल डिफेंस अगेंस्ट द पोटेंशियल टेकओवर ऑफेंस कॉल्ड द शार्क रिपेलेंट, यानी अपने आप को बचाने की प्रतिक्रिया जो है उसको शार्क रिपेलेंट बोलते हैं, ठीक है जी। यानी अगर आपको कोई टेकओवर करना चाहते हैं तो आप कैसे कैसे अपनी कंपनी को बचा सकते हैं, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। तो पहला बोला है कि स्ट्रैगिंग टर्म्स फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ देम कमिंग इनटू द इलेक्शन एट द सेम टाइम। अब उन्होंने कह दिया कि अगर कोई भी नया कंपनी लेगा लेकिन इसमें कम से कम 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बंदा विल कंटिन्यू, तो इसका मतलब यह है कि 100% उसका टेक ओवर नहीं रहेगा क्योंकि कुछ ना कुछ पुराने बंदे का उसमें इंटरवेंशन रहेगा। दूसरा होता है जी गोल्डन पैराशूट। गोल्डन पैराशूट का मतलब ये होता है कि जो की एग्जीक्यूटिव्स है उनको इतने पैसे देने पड़ जाएंगे कि वो मर्जर जो कंपनी करना चाहती है उनके लिए ये लॉस मेकिंग डिसीजन हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इज अ की एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड द एग्जिबिट्स एग्जॉर्बिएंट पे एंड बेनिफिट्स इफ द एग्जीक्यूटिव्स आर डिस्चार्ज थ्रू द मर्जर्स। तो अगर जो उसके एग्जीक्यूटिव या टॉप बंदे होते हैं वो इतना पैसा चार्ज करते हैं कि वो नई वाली कंपनी के लिए वो लॉस वाला सिचुएशन होता है, उसको हम बोलते हैं जी गोल्डन पैराशूट। दूसरा होती है जी चार्टर रूल्स, यानी यहाँ पर कॉर्पोरेट चार्टर रूल्स रिक्वायर द सुपर मेजोरिटी, यानी अगर आपको मर्जर करना है तो आपको एग्जिस्टिंग कंपनी का, पुराने कंपनी का 90% से ज्यादा 80% से ज्यादा लोगों का मेजोरिटी चाहिए, तभी जाके आप मर्जर कर सकते हैं। तो इस तरह से यू कैन सेव द मर्जर। लास्ट में होता है जी पॉइजन पिल्स। पॉइजन पिल्स का मतलब ये होता है कि जो कंपनी बोरो होने वाली होती है वो इतनी ज्यादा वो लोन लेके रखती है ना कि सामने या इतने ज्यादा वहां पे उन्होंने बोल के रखा होता है कि ये जो कंपनी मेरा तुरंत में बाई करेगा दे हैव टू पे ऑल द लाइबिलिटीज नाउ,
इसको बोलते हैं पॉइजन पूल। ये बोलते हैं सिक्योरिटी डाटा ओनली वैल्यू व्हेन द अनफ्रेंडली बिडर्स ऑब्टेन द कंट्रोल ऑफ द परसेंटेज। यहाँ पर बॉन्ड हैविंग द पॉइजन आउट दैट अलाउ द बॉन्ड होल्डर टू फोर्स द टारगेट टू रिडीम द बॉन्ड्स thereby making the potential takeover the law less attractive। यानी अगर कंपनी को लेंगे तो ये वाले सिचुएशन आपके लिए मजा वाला सिचुएशन नहीं रहेगा। फिर बोलता है फेयर प्राइस प्रोविजन, यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बोलते हैं इन्वॉल्व द वारंट इशू टू द शेयर होल्डर डेट परमिट द परचेज द टारगेट कंपनी स्टॉक एट द फ्रैक्शन ऑफ द मार्केट इन द इवेंट ऑफ टेक ओवर अटेम्प्ट। तो इसमें क्या होता है, कंपनी इस तरह के प्रोविजन बना दिए जाते हैं कंपनी आर्टिकल्स में कि अगर कोई कंपनी अगर इस टारगेट कंपनी को टेक ओवर करेगा तो उसको फेयर वैल्यू पे सारे बंदे के राइट को ऑनर करना पड़ेगा। फिर दूसरा होता है जी व्हाइट नाइट डिफेंस, इसका मतलब होता है कि वो बायर फाइंडिंग टारगेट फाइंडिंग है फ्रेंडली बायर दैन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी ऐसा रखेगा अपने प्रोविजंस में लिख के रखेगा व्हाइट नाइट में कि अब जिसके साथ हम मर्ज होना चाहते हैं उसके साथ वो अच्छा सा उनके साथ रिलेशंस हो। साथ में आता है जी पैकमैन डिफेंस, इसका मतलब क्या होता है, रोल रिवर्सल्स इन विच द टारगेट कंपनी अटेम्प्ट टू बाय आउट ऑफ द सो कॉल्ड हॉस्टाइल पैकमैन। रोल रिवर्सल, द टारगेट कंपनी अटेम्प्ट टू बाय आउट ऑफ दी सो कॉल्ड होस्टाइल बायर। इसमें क्या होता है, आप जिसको बाई करने जाते हैं वो आपको बाई करने के लिए आ जाता है, तो इस तरह का उसमें अरेंजमेंट होता है। फिर लिटिगेशन, कंपनी में चैलेंज कर सकता है, ठीक है, टेंडर ऑफर ये सारे। फिर उसके बाद ग्रीन मेल, यहाँ पे क्या होता है, टारगेट रिपर्चेज ऑफ द टारगेट स्टॉक्स आफ्टर द पोटेंशियल एक्वायर है परचेज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी द एसेंशियल द पोटेंशियल इंक्वायर इज ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू सेल देयर एक्वायर्ड शेयर्स बैक टू द टारगेट कंपनी एट द अमाउंट सस्टेन सब्सटैंशियली इन एक्सेस ऑफ द स्टॉक मार्केट। यहाँ पर ग्रीन मेल में क्या होता है कि आप कंपनी के अगर ज्यादा शेयर होल्डर हैं तो जो बचे हुए माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज का शेयर आपको बहुत ज्यादा यानी प्रीमियम पे बाई करना पड़ेगा, डीलिस्ट हो जाएगा अगर आप कंपनी को अगर बाई अगर ये करेंगे, अगर होस्टाइल टेक ओवर करेंगे तो कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी। इस तरह के सारे यहाँ पे ये होते हैं। दूसरा होता है लॉबस्टर स्टेप्स, इसका मतलब होता है टारगेट कंपनी इशू अ चार्टर प्रिवेंटिंग द इंडिविजुअल मोर देन 10% ऑफ द कन्वर्टेबल सिक्योरिटी फ्रॉम द कन्वर्टिंग देम टू द वोटिंग राइट दे कैचेस द लार्ज लॉबस्टर्स एंड लेट द स्मॉल लॉबस्टर स्टेप्स, ऐसा करके कुछ होगा। सेलिंग ऑफ द क्राउन ज्वेल्स, इसका मतलब होता है टैक्टिक होता है कि अगर is a tactics that target company sell off or dispose of the certain item that makes it the desirables, yani jis cheez ke liye usko khareed rahe the usko hi wo bech dega। flip in flip over rights that create the or yani aapne apne companies ke liye wahan pe provision bana ke rakha hoga, koi company isko write off karegi to usko apne employees ko ESOPs dene padenge, theek hai। to ye sari techniques hai jisse aap apna hostile takeover ko bacha sakte hain। disinvestment mein kya hota hai, yahan pe kya hota hai, ek hota hai ji स्पिन ऑफ होता है, दूसरा होता है जी इक्विटी क्रेव आउट, तीसरा होता है जी स्प्लिट ऑफ, ठीक है, और चौथा भी कुछ होता है इसमें सर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो अपनी मान ले एक कंपनी थी, एक कंपनी बट के एक दूसरा एक रिजल्टिंग कंपनी भी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए इन्होंने बताया कैसे कैसे हो सकता है, बोलता है कि पहला जो होता है स्पिन ऑफ होता है, स्प्लिट अप्स होता है, तीसरा क्रेव आउट इक्विटी क्रेव आउट होता है, ठीक है। ये बोलता है कि इंडिपेंडेंट कंपनी यहाँ पे क्रिएट किया जाता है थ्रू द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी और डिविजन ऑफ द पेरेंट्स कंपनी, दिस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ प्रोपोर्टर प्रोरेटा बेसिस टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट्स कंपनी। अब नए वाले जो कंपनी बनती है उसमें क्या होती है, नए वाले कंपनी के शेयर होल्डर जो होते हैं उसी प्रोपोर्शन में होते हैं जिस प्रोपोर्शन में पुराने कंपनी में वो शेयर होल्डर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इन एसेंस द स्पिन ऑफ इज अ टाइप ऑफ डिविडेंड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको एक तरह का डिविडेंड है, एक नया कंपनी बना के दे दिया विद द सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न। अ बिजनेस इज विजिंग टू स्ट्रीमलाइन इट्स ऑपरेशन मे सेल द अनप्रोडक्टिव और अनरिलेटेड सब्सिडरी बिजनेस एज अ, तो कंपनी का जो उससे रिलेटेड लाइन का बिजनेस नहीं है या अनप्रोडक्टिव है तो उसको क्या करता है, वो स्प्लिट करके हटा के नया कंपनी बना के दे देता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, बोला है कि ब्रेकअप ऑफ AT&T in 1984 gave the each of the one share of the stock in
इन द 7 रीजनल टेलीफोन कंपनी एवरी 10 शेयर्स ऑफ एटीएटी। तो इस तरह से हर 10 शेयर्स के होल्डर को एक शेयर करके नया कंपनी का बना के दे दिया था। अच्छा, यहाँ पे बोलता है कि इक्विटी क्रेव आउट का मतलब होता है स्प्लिट ऑफ आईपीओस, यानी पार्शियल स्पिन ऑफ, यानी टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन इन विच द पेरेंट्स क्रिएट अ न्यू सब्सिडियरी एंड सब्सिक्वेंटली फैसिलिटेट एन आईपीओ ऑफ द न्यू सब्सिडियरी विदाउट फुल्ली स्पिनिंग इट ऑफ, यानी पूरा स्पिनिंग ऑफ नहीं होता, यानी पूरा का पूरा सेम पैटर्न में नहीं होता, बल्कि वो एक नया कंपनी फ्लोट करते हैं। और साथ में बोलते हैं द कॉमन स्टॉक ऑफ सब्सिडियरी सोल्ड डायरेक्टली टू द पब्लिक, यानी नया रोल आउट करते हैं, नया वाला कंपनी बनाते हैं, रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द पेरेंट शेयर होल्डर। यूजुअली द प्रिवेंट्स द पेरेंट्स विल रिटेन द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है, इन दी सब्सिडी ड्यूरिंग द इक्विटी क्रेव आउट। तो क्या करते हैं, नई कंपनी बनाते हैं, उनका 49% शेयर मार्केट में बेच देते हैं और 51% अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में रखते हैं। तो वो जो 50% की होल्डिंग होती है वो सेम इक्विटी पैटर्न में होती है जो एग्जिस्टिंग कंपनी के इक्विटी से होल्डर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी को एक तरह से फाइनेंस मिल जाता है फ्रेश कैपिटल से। तो ये सिचुएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटी क्रेव आउट। लास्ट आता है जी स्प्लिटअप। स्प्लिटअप में क्या होता है, ऑकर्स व्हेन द सिंगल कंपनी स्प्लिट इनटू द टू और मोर सेपरेट रन्स कंपनी, दो कंपनी में बन गया, शेयर ऑफ द ओरिजिनल आर एक्सचेंज। अभी क्या होता है, ये वाला जो सिचुएशन होता है वहां पे बोल दिया जाता है कि अब कंपनी ए थी, अब कट के बी एंड सी बन गई, ए खत्म हो गई, बी एंड सी बन गई। अब क्या होता है कि ये जो बी, तब बोला जाएगा कि बी यानी ए में जो बंदा शेयर होल्ड कर रहा था उसका बी का बी कंपनी में जाएगा तो उसको 2 शेयर मिलेगा, सी में जाएगा तो 3 शेयर मिलेगा। इस तरह से उनको शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो वहां पे ए का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, लेकिन ऊपर के दोनों में स्पिन ऑफ और इक्विटी क्रेव आउट में ए का वजूद खत्म नहीं होता है, ए का एग्जिस्टेंस वॉज देयर। ये स्प्लिट ऑफ में क्या होता है, पुराने कंपनी का वजूद खत्म हो जाता है, ठीक है। द एग्जिस्टिंग रेशियो डिटरमाइंड बाय द पैरेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव बाय द शेयर होल्डर प्रायर टू द आफ्टर द ओरिजिनल कंपनी सीज टू एग्जिस्ट, यानी उसका वजूद खत्म हो जाता है, जो ओरिजिनल कंपनी होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या हो सकती है, ये उनके अपने कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन के हिसाब से हो सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट मैंडेट कर दे कि नहीं भाई, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपने मोनोपोली बना रखी है, नाउ यू हैव टू क्रिएट द कंपनी एंड मेक द अदर वन। तो ये वाली एक चीजें होती है। अब बात आती है जी, क्या रीजन है, हाउ टू इवैल्यूएट द रीस्ट्रक्चरिंग, जब आपको बुलाया जाएगा, हाँ भाई अब ये कंपनी मर्जर एक्विजिशन डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जा रही है, आइए आप अपना एडवाइस दीजिए, क्या रीजन हो सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल रीजंस दिए हुए हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन जो होते हैं इनटू फॉर द बेनिफिट्स, उनकी एक सिनर्जीज होती है। सिनर्जीज का मतलब क्या होता है, 2+2=5, तो जो पांचवा 2+2 जनरली 4 होता है, और वो 1 जो होता है जो हमको नहीं दिखता उस 1 को हम सिनर्जी बोलते हैं, यानी 1 से भले 2 जो कहानी सुना होगा उसका मतलब जो भले जो वर्ड है वो सिनर्जी है, जो दिखता नहीं है पर उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो ये क्या होता है, इट्स ये क्यों होता है, इसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिट्स क्या होती है, वो होती है जी सिनर्जी, मीनिंग द कॉर्पोरेशन आफ्टर द मर्जर वर्दर मोर देन द स्टॉक मार्केट देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी अब जो नया शेयर्स बनेगा उसकी वैल्यू, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती होगी इन कंपैरिजन टू टू इंडिविजुअल शेयर्स के सबमिशन से। इन अदर वर्ड द शेयर होल्डर वेल्थ विल इंक्रीज। अदर बेनिफिट्स क्या हो सकती है, obtaining other companies asset skill and technology, achieving the economic scale, obtaining the resources, obtaining the individual distribution, obtaining the outcomes, ठीक है, growing faster, diversify the products and being able to utilize the net operating and loss carry forward, ये वाले situations आ सकते हैं। इसकी एक टेक्निक्स होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड्स, इस तरह से हम इसको निकालते भी हैं। वैल्यूएशंस ऑफ मर्जर कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। तो इसका जो अप्रोच है, जिन्होंने कैपिटल बजटिंग किया हो उनके लिए बहुत आसान है। देखिए, ये बोलते हैं कि मोस्ट कंसेप्चुअल करेक्ट मेथड दैट इज द पीवी ऑफ द कैश फ्लो बेनिफिट फ्रॉम द मर्जर, ठीक है। तो जो मर्जर से करने से बाद जो हमको प्रेजेंट बेनिफिट्स जो मिलेंगे उसी से हम वैल्यूएशंस को निकालते हैं। अब बोलता है द मर्जर कैश फ्लो बेनिफिट्स आर द टारगेट कंपनी एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, उसको पीवी ऑफ द मर्जर कॉस्ट इज ऑफन जस्ट द ओरिजिनल परचेस प्राइस। अब क्या होता है कि आफ्टर कैश फ्लो जो आपने क्या क्या एस्टिमेट किया हुआ है, 2 लाख कब तक के लिए, 15 साल तक के लिए, तो 15 साल उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट है 14%, यानी ये जो नेट मर्जर की जो वैल्यू बन रही है 12.284 बन रही है। प्राइस ऑफर जो होगी शुड बी लेस और इक्वल टू, जब भी कोई प्राइस इसका वैल्यूएशन करेगा वो 12
12,024,000 से क्या होना चाहिए, कम या उसके बराबर होना चाहिए, तभी जाके प्रॉपर मर्जर की प्राइसिंग होगी। दूसरा होता है एडजस्टिंग बुक वैल्यू, इन्वॉल्व द डिटरमाइनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द टारगेट एसेट्स एंड सब्सट्रैक्टिंग द लायबिलिटीज ऑफ द टारगेट। द मेथड जो होता है वो क्या होता है, दिस मेथड इज डिफिकल्ट, क्योंकि हमको सारा चीज का वैल्यू निकालना थोड़े लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पर सीधे होता है जी एसेट माइनस लाइबिलिटी अप्रोच लगता है, जिसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी अप्रोच होता है जिसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच। दूसरा होता है जी कॉम्परेटिव पीई मेथड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है पहली वाली कंपनी दूसरी वाली कंपनी से अपना हम लोग क्या निकालते हैं, पीई रेशियो निकालते हैं। नई वाली कंपनी पे जब हम देखते हैं तो कंबाइंड शेयर होल्डर्स की जब वैल्यू निकालते हैं उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हाँ जी भाई वो कंबाइंड वाला बेनिफिशियल है या नहीं है, यानी वहां पे हमको सिनर्जी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कंबाइंड नेट इनकम रिक्वायर्ड ईपीएस करेंगे तो टोटल 8 मिलियन इक्विटीज यहाँ पे इश्यू करना पड़ेगा। एग्जाम पे ये सम्स नहीं है आपके। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चरिंग क्या हो सकता है, प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, आईपीओज हो सकते हैं। आईपीओज आपने बहुत पढ़ लिया, क्योंकि आईपीओज में आप पब्लिक से जाके पैसे मांगते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता, उसके लिए आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी, तब जाके आप आईपीओज ला सकते हैं। लीवरेज बाय आउट ये प्राइवेटाइजेशन में क्या हो सकता है, रिपर्चेज कर सकते हैं कॉमन स्टॉक शेयर्स को एंड देन रिटायर देम रिजल्टिंग द नॉन ट्रेडिंग स्टॉक एंड डीलिस्ट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। यानी आप पहले क्या कर लेते हैं, अपना आईपीओ अपने कंपनी को एसईसी में जाकर रजिस्टर कराते हैं, जब पैसे आ जाते हैं आप कंपनी को डीलिस्ट करवा लेते हैं, यानी पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड करवाते हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। दूसरा एक तरीका होता है जी आईपीओ लाना, आईपीओ में आप क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या करती है अपने आप को चेंज करके पब्लिक बनाती है और पब्लिक बना के आईपीओ लेके आती है। दूसरा ईशॉप्स में क्या होती है, इस ऑप्स में अपने एम्प्लॉयज को एक नंबर्स देने का प्रॉमिस करती है और उस प्रॉमिस से, ठीक है, उस प्रॉमिस से क्या होता है उनके एम्प्लॉयज उनके पास लॉयल होके रहते हैं। ठीक है, ये हेल्प द कंपनी टू मोटिवेट द रिवॉर्ड टू द एम्प्लॉय द एडवांटेज ऑफ इंसुरेंस टू बोरो द मनी फॉर रिक्वायरिंग द एसेट इन द प्री टैक्स डॉलर्स। ये सारी सिचुएशन होती है, ये बस रीड पोर्शन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट डे पे हमारा सबसे लास्ट सेक्शन होने वाला, दैट इज द इंटरनेशनल फाइनेंस एंड देन वी विल से बाय बाय फॉर दिस सेक्शन। ठीक है भाई, डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट कैसे काम करती है ये सारी चीजें हमने पढ़ानी है, फिर हमारा मसला खत्म हो जाएगा जी। महाराज भाई जी, भाई अभी ये मेट्रो में ये यात्रा का फील आता है, बहुत स्पीड है। नहीं, आज तो मैंने स्पीड पढ़ाया क्योंकि आज आपके पास जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर देने वाली नहीं थी। सही है। हाँ, क्योंकि आज तो मेट्रो वाली फीलिंग इसलिए थी क्योंकि आज मैं कुछ भी दिमाग पे जोर देने वाली नहीं थी, सब थ्योरेटिकल चीजें थी। एक बार आप भी पढ़िएगा, दिमाग में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं जी काजल, क्या बोली? डेरिवेटिव फाइनेंशियल